कई महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है यह फैसला एक चिंता का विषय बन गया है। कई बार तनाव इसलिए होता है क्योंकि वे गर्भवती होना चाहती हैं। कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे गर्भवती नहीं होना चाहती। सटीक परिणाम प्राप्त करने के अपने अवसर को अधिकतम करने के लिए सही समय पर प्रेगनेंसी परीक्षण करना महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में प्रेगनेंसी परीक्षण करने का सबसे अच्छा समय बता रहे हैं। जब आप गर्भवती को महसूस करते हैं, आप प्रेगनेंसी परीक्षण करने का निर्णय ले सकती हैं, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिनमें शामिल हैं हल्की ऐंठन, जिसे कभी कभी इम्प्लांटेशन क्रैम्प कहा जाता है, बहुत हल्का स्पॉटिंग, जिसे कभी कभी इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग भी कहा जाता है, थकावट, बदबू के प्रति संवेदनशीलता, सुबह की हल्की मिचली प्रेगनेंसी के कई लक्षण अन्य चीजों के कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी, फ्लू या कुछ रातों की खराब नींद। चाहे आप एक नकारात्मक या सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रहे हों, प्रारंभिक परीक्षा लेना यह पता लगाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है कि आप तुरंत उम्मीद कर रहे हैं या नहीं। दुर्भाग्य से यदि आप गर्भवती हैं तो भी समय से पहले परीक्षण करने से आपको नकारात्मक परिणाम मिल सकता है। आप यह कैसे तय करते हैं कि कब परीक्षण करना है और कब परीक्षा लेने का सही समय है? आपकी साइकिल का सबसे अच्छा समय, प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सबसे अच्छा समय पीरियड लेट होने के बाद है। इससे आपको झूठी नकारात्मकता और बहुत जल्दी गर्भपात से बचने में मदद मिलेगी। यदि आपका चक्र इरेगुलर है या आप अपने साइकिल्स को चार्ट नहीं करते हैं, तब तक परीक्षण न करें जब तक कि आप अपने सबसे लंबे मासिक धर्म चक्र को पार नहीं कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका चक्र 35 से 40 दिनों के बीच का है तो परीक्षण करने का सबसे अच्छा समय 41 दिन या बाद का होगा। विचार करने के लिए एक और बात यह है कि क्या आपको पता है कि आपकी अवधि और भी देर हो चुकी है? प्रत्येक 100 महिलाओं में से 15 से 25 के बीच प्रेगनेंसी परीक्षण का परिणाम उस दिन सकारात्मक नहीं मिलेगा जिस दिन उन्हें लगता है कि यह उनकी अवधि चूकने के ठीक बाद का है, भले ही वे गर्भवती हों। दिन का सबसे अच्छा समय, दिन के किस समय आप प्रेगनेंसी परीक्षण करती हैं, कुछ हद तक मायने रखता है। यदि आप सुबह परीक्षण करते हैं तो आपको सटीक परिणाम प्राप्त होने की अधिक संभावना है। यह विशेष रूप से सच है यदि आपका पीरियड परफेक्ट है या यदि आपकी अवधि केवल कुछ दिनों की देरी से है। घर पर प्रेगनेंसी परीक्षण आपके मूत्र में मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG हार्मोन का पता लगाकर काम करते हैं। जब तक आप रात में बार बार वॉशरूम नहीं जाते हैं, तब तक जब आप पहली बार उठते हैं तो आपका पेशाब अधिक केंद्रित होता है। आमतौर पर इसका मतलब यह है कि HCG की मात्रा थोड़ी अधिक है और यदि आप गर्भवती हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना अधिक है। हालांकि आप अभी भी दिन के मध्य में या रात में भी प्रेगनेंसी परीक्षण कर सकती हैं। आपको फॉल्स नेगेटिव मिलने की अधिक संभावना है, खासकर यदि आपकी अवधि इतनी देर से नहीं आई है और विशेष रूप से यदि आप बहुत अधिक पानी पी रहे हैं और आपका पेशाब पतला है। प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे काम करता है? जैसा कि बताया गया है, परीक्षण आपके पेशाब में प्रेगनेंसी हार्मोन HCG का पता लगाते हैं। कुछ परीक्षण इस हार्मोन की विविधता का भी पता लगाते हैं, जिसे हाइपरग्लाइकोसिलेटेड HCG HHCG कहा जाता है। नियमित HCG केवल एक भ्रूण के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन के बाद ही उत्पन्न होता है। निषेचन के कुछ समय बाद HHCG पहले जारी होना शुरू हो जाता है। घर पर प्रेगनेंसी परीक्षण आपके मूत्र में प्रेगनेंसी हार्मोन की सही मात्रा को माप नहीं सकता है। यह क्या कर सकता है? यह पता लगा सकता है कि क्या न्यूनतम राशि मौजूद है। प्रेगनेंसी परीक्षण के परिणाम नकारात्मक आने का मतलब यह नहीं है कि आपके मूत्र में HCG नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें सकारात्मक परिणाम ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि आप प्रजनन उपचार करवा रही हैं और आपने ओव्यूलेशन जैसा HCG ट्रिगर शॉट लिया है तो आपको प्रारंभिक प्रेगनेंसी परीक्षण नहीं करना चाहिए। प्रारंभिक जांच से फर्टिलिटी दवा के अवशेषों का पता लगाया जा सकता है।